नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। नेम नंबर या कंपाउंड नंबर, जब हम लोग अपने नेम को, फुल नेम को, जब हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तो उससे जो वैल्यू आता है विदाउट रिडक्शन, उसे हम लोग नेम नंबर, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नेम नंबर बेसिकली कहते हैं। चैलेडियन सिस्टम में कंपाउंड नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सिंगल डिजिट में जो नंबर होते हैं वो, किसी का सपोज एक आता है तो एक हो सकता है 10 से भी आए, 19 से भी आए, 28 से भी आए, 46 से भी आए, तो किसी भी मेथड से आ सकता है। लेकिन ये कंपाउंड नंबर जो है, ये 10, 19, 28, 46, ऐसे का 55, ये सबका अपना अलग महत्व है, और लोगों के लाइफ और उसके लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईच कंपाउंड नंबर के बारे में। तो आप जानेंगे कि प्रत्येक कंपाउंड नंबर का क्या मतलब होता है और उनके लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होंगे। इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर है मार्केट में और ये फ्री है। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा एस्ट्रो स्कूल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पर्टिकुलरली लोशु ग्रिड के कोर्स फ्री हैं, बेसिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स फ्री हैं, जॉडियक साइन जो है उससे रिलेटेड कोर्स फ्री हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ जो फ्री हैं, और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। तो एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है और आप फ्री का कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रो बेसिक के सारे कोर्सेस मैं उधर ही रखता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड नेम नंबर कैसे कैलकुलेट होता है इस एग्जांपल से। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर, कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलेडियन अल्फाबेट के अनुसार। तो ये चैलेडियन अल्फाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ए आई जे क्यू आई, इसका वैल्यू 1 होता है, बी के आर का 2 होता है, सी जी एल एस का 3 होता है, लाइक दैट पी एफ 8 होता है। 9 के लिए हम लोगों के पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, जे के लिए 1, ए के लिए 1, वाई के लिए 1, ए के लिए 1, एन के लिए 5, टी के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से तो टोटल 13 आता है। तो कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो अंडर चैलेडियन टैब आपका, जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में दिखाया जाता है। डिस्क्राइब यू एज ए क्राउन्ड हेड, इट मींस दैट यू कैन अचीव क्राउन विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहां से भी जान सकते हैं अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर एक, तो एक का फिर क्या मतलब है, तो यहां पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। नेम नंबर 28, अगर आप 28 को देखेंगे तो इसमें 2 आता है और 8 आता है, दोनों को ऐड करने के बाद 1 आता है। तो यहाँ पर जो नंबर 8 है वो भी 1 के लिए सपोर्टिव नहीं है, और 2 जो है नंबर सपोर्टिव तो है लेकिन वो जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नंबर है। तो यहाँ पे 28 जो नंबर है ये 1 के लिए उस तरह का फेवरेबल नहीं होता है जैसे बाकी नंबर्स होते हैं। तो इसमें 1 के क्वालिटीज़ तो होते हैं लेकिन कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 28 में होता है, तो 2 भी फीमेल नंबर है, 8 भी फीमेल नंबर है, तो बंदे में फेमिनाइन क्वालिटीज़ पाया जाता है इवन दो नंबर 1 है तो भी। मतलब फेमिनाइन जब हम कहते हैं तो फेमिनाइन लुक नहीं, फेमिनाइन मतलब सॉफ्टनेस, दया, हेल्प करना लोगों को, ये सारा चीज़। जैसा कि मैंने बोला 2 और 8 जो फेमिनाइन नंबर है, तो इसमें
जो लुक होता है बंदे का वो भी यूजुअली हैंडसम ही होता है। और ये 28 जो है इसमें चूंकि सॉफ्टनेस रहता है तो ये कहीं ना कहीं लोग इसको ईजिली चीट कर देते हैं। पर्टिकुलरली जब पैसे की बात आती है तो 28 वाले कभी पैसे वापस यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 90% दिया हुआ पैसा इनको जल्दी नहीं मिलता है। नेम नंबर 28 वाले लोग जो हैं प्रोग्रेस बहुत जल्दी पाते हैं अपने लाइफ में, लेकिन इनका जो वो है मतलब कि हर बार इनको रिफ्रेश जो है ना फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब ये ग्रो करते हैं फिर कुछ लाइफ में हो चेंजेस आता है बदलाव आता है इनके बाद इनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई किसी ने एक नया जॉब पाया, उसने एक घर बिल्ड किया, सारा चीज़ सेटअप किया, सडनली उसको सारा चीज़ छोड़ करके कोई ऐसे जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पे वो उसको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो उनके जो रिपीटेड एफर्ट्स हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेम नंबर 28 वाले लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं अपने लाइफ में, उनका उनमें जो अचीवमेंट वाला पावर है वो बहुत फास्ट है, वो क्विकली करते हैं, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसा होता है कि उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है हर चीज़। तो कभी कभी उनके बैड लक कह सकते हैं कि ऐसा आता है कि उनका सब चीज़ ख़त्म हो जाता है और फिर से उनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके लाइफ में जो कंटिन्यूस ग्रोथ है वो नहीं देखा जाता है। उनका ग्रो होता है फिर वो थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर से ग्रो करते हैं, फिर से नीचे जाते हैं। तो मतलब जो स्टार्ट है हर समय उनको एक नया फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जैसा कि मैंने बोला 28 में चीटिंग लोगों को फेस करना पड़ता है, पर्टिकुलरली फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू। वो पैसे को लेकर के जो है उनका वो एरिया जो है थोड़ा वीक होता है, जब भी वो किसी को देते हैं तो उनको वापस नहीं मिलता है, तो वो एरिया भी इनको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी नेम नंबर 28 में 2 और 8 है तो कहीं ना कहीं इनकी मॉम मदर का जो है हेल्थ इशूज़ पाया जाता है। हो सकता है कि मदर को भी कफा रिलेटेड प्रॉब्लम, साइनस, कफा, जोड़ का दर्द, इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है कफा रिलेटेड जिसको कहते हैं वो प्रॉब्लम पाया जा सकता है। ऐसे 28 में सक्सेस वाले सारे गुण हैं, लेकिन ओनली थिंग जो इनको रिपीटेड स्टार्ट करना पड़ता है और बीच बीच में इनको जो है लक मतलब स्पॉन्टेनियसली जो है इनके अगेंस्ट काम करता है, तो जिसके कारण इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना। तो ऐसे नंबर 1 नेम नंबर में यूजुअली सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन 28 कंपैरेटिवली थोड़ा वीक माना जाता है, पर्टिकुलरली जब पैसे की बात आती है, किसी को सडन लॉस हो गया या किसी को दिए तो वापस नहीं आए, इस मामले को देखने के बाद। बट इसका मतलब ये नहीं कि 28 वाले ग्रो नहीं करते, वो ग्रो करते हैं। तो अगर आप नेम नंबर 1 पे रखना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए 28 अगर अवॉइड हो सके तो, आपके लिए जो 46 है वो नंबर अच्छा हो सकता है, 37 फिर भी बेटर है। तो मतलब 28 से डेफिनेटली 37 और 46 ये सब अच्छे नंबर्स हैं, 55 तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उनमें क्या होता है, लेकिन 28 आप फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कंपाउंड नेम नंबर के बारे में। अगर आप इस नंबर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा लाइफ पाथ नंबर का वीडियो ज़रूर देखें। इस या तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर बेस्टर है कि आप आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सेंड मी ईमेल jayantkumar@astrobasic.com पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर आप मेरे वेबसाइट जाइए astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आजकल वो छोटे छोटे रील्स बना करके इंस्टाग्राम पे देता हूँ, जिसमें मैं अलग अलग टिप्स और अलग अलग सजेशन रेमेडीज़ और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स जो है उधर ही डालता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।